गुड इवनिंग क्लास, सिविल डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से जल्दी बच्चों सभी लोग लाइव हो जाइए। रितेश कुमार जय हिंद, और सभी बच्चों को जय हिंद। जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइव हो जाइए। वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट टू, यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट्स एंड ग्रासलैंड्स। क्या पढ़ेंगे? मरुस्थल और घास भूमियाँ। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग उपस्थित हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग भी शेयर कर दीजिए, मैं भी शेयर कर दूं। चलिए मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी तक? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी तक? जल्दी से बताइए। नेट प्रॉब्लम कर रहा है, एक मिनट। मेरी आवाज़ सब तक क्लियर आ रही है? ओके चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो डिजर्ट्स एंड ग्रासलैंड्स एक बार क्लियर कर दीजिएगा, आवाज़ कैसी आ रही है। क्लियर अनुराग दीक्षित जी, रितेश कुमार, तो चलते हैं हम आगे। वर्ड डिजर्ट्स और ग्रासलैंड्स पढ़ते हैं। डिजर्ट्स क्या होते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। डिजर्ट कौन से क्षेत्र होते हैं जहां पर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम हो। जहां पर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम हो वो क्षेत्र डिजर्ट के नाम से जाना जाता है, मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर वर्षा का मान 25 से 50 सेंटीमीटर हो, जहाँ पर वर्षा का मान 25 से 50 सेंटीमीटर हो वो क्षेत्र किसमें तब्दील हो जाता है? ग्रासलैंड्स में। बेटा ध्यान रखिएगा, वो क्षेत्र ग्रासलैंड्स में तब्दील हो जाता है, ठीक है। जहाँ वर्षा का मान 25 सेंटीमीटर से भी कम हो बेटा वो डिजर्ट कहलाता है। जहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर हो ग्रासलैंड। गौरव जी, सेल्फ स्टडी जी, जय हिंद, सभी लोग आ जाइए फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड के डिजर्ट्स के बारे में हम देखेंगे। इस सबसे पहले एक मैप बनाते हैं। जैसा कि ये नॉर्थ अमेरिका वाला भाग है, नॉर्थ अमेरिका है। यहां नीचे अगर देखो तो साउथ अमेरिका वाला हिस्सा है। यहाँ पर अगर जाओगे एक मिनट, चलिए हाँ यहाँ पर चलोगे तो ये यूरोप वाला भाग है, यूरोप। ये सऊदी अरेबिया वाला हिस्सा है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं।
ये अपना इंडिया है, इंडिया वाला क्षेत्र, थाईलैंड, मलेशिया, और यहां आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये है आपका, ये हिस्सा है, थोड़ा सा मैं तिरछा मैप बना दिया हूँ। तो बेटा ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये यूरोप वाला भाग है और ये एशिया वाला भाग है। यहाँ चले जाओगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है, ठीक है। तो हमें वर्ल्ड के डिजर्ट्स को देखना है, विश्व के प्रमुख मरुस्थलों को देखना है, ठीक है। चलिए डिज़र्ट्स की बात करें तो सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट में हम चले आएँ। एशिया कॉन्टिनेंट में कुछ डिज़र्ट्स हैं, जैसे बेटा गोबी, गोबी डिज़र्ट, ये बात समझ में आए, गोबी मरुस्थल नंबर एक। नंबर दो आपका दूसरा डिज़र्ट जो कि एशिया में है, थार, THAR, थार डिज़र्ट, जो कि इंडिया में है। बेटा ये मंगोलिया में है, मंगोलिया में है। आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे ठंडा डिज़र्ट कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा गोबी, थार, जो कि इंडिया में है, जो कि इंडिया में है, थार मरुस्थल, ठीक है। गोबी डिज़र्ट, थार डिज़र्ट, और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हैं, रूब अल खाली, रूब अल खाली डिज़र्ट, ठीक है। रूब अल खाली कहाँ है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, ठीक है। दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर, दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर, ये दोनों के दोनों ईरान के डिज़र्ट्स हैं, ईरान में पाए जाते हैं, समझ रहे हैं। गोबी, रितेश कुमार जी, अनुराग दीक्षित, नहीं, इंडियाज बिगेस्ट डिज़र्ट नहीं है गोबी, गोबी विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, उसके अंतर्गत आता है मंगोलिया, गोबी मंगोलिया में है, थार डिज़र्ट इंडिया में है। इंडिया के इस डिज़र्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ये याद रखना, ये बात क्लियर हुई। रूब अल खाली सऊदी अरेबिया में है, दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर ईरान का, ये प्रमुख डिज़र्ट्स हैं, ठीक है। बहुत कम लोगों, और भी लोगों को इनवाइट ज़रूर करिए, क्लियर आ रही है मेरी आवाज़, एक बार फिर बता दीजिए, क्योंकि बहुत कम वाचिंग है। रितेश कुमार जी, आपके फ्रेंड्स कहाँ गए सारे? तो ये सारे डिज़र्ट्स, ये सारे के सारे डिज़र्ट एशिया के प्रमुख मरुस्थल हैं। आइए एक बार इसकी लोकेशन स्थिति हम देखते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर देखोगे, मैं थोड़ा हाइलाइटर का प्रयोग करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मंगोलिया यहाँ पर है, जिसे आप गोबी डिज़र्ट कहते हो। थार डिज़र्ट राजस्थान एरिया में है, ठीक है। रुद्र प्रताप जी, रितेश कुमार जी, ठीक है। थार डिज़र्ट यहाँ पर है, ईरान, दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर। यहाँ पर रूब अल खाली, विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल। चलिए एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, ये बेटा रूब अल खाली है, रूब अल खाली नहीं, गोबी डिज़र्ट है। क्या नाम है बेटा इसका? गोबी डिज़र्ट, गोबी मरुस्थल। इसका नाम थार है और इसका नाम है दस्त ए लुट। दस्त ए कबीर और इसका नाम है
सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया में है रब अल खाली डिज़र्ट, रूब अल खाली। विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल है, मैं थोड़ा सा जूम भी करके आपको दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पूरा एशिया वाला हिस्सा मैंने बनाने की कोशिश की है। गोबी डिज़र्ट, ये मंगोलिया है बीच में, चाइना और रशिया के बीच में मंगोलिया है, गोबी डिज़र्ट है। यहाँ इंडिया का थार डिज़र्ट आप देख ही रहे होगे, ठीक है। यहाँ दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर, दस्त ए लुट यहाँ मैंने वो लगा दिया है, यहाँ दस्त ए कबीर लिख दूंगा अभी। रूब अल खाली सऊदी अरेबिया का ये हिस्सा है, ये बात समझ में आया। ये दस्त ए कबीर है बेटा, ये बात समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट डिज़र्ट्स हैं, एशिया के प्रमुख डिज़र्ट्स हैं। अब आ जाओ हम चलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ आपने सारे डिज़र्ट्स देख लिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम चले। अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहाँ है? कालाहारी बेटा, बेटा कालाहारी अभी अफ्रीका में हम बोल रहे हैं, कालाहारी अफ्रीका डिज़र्ट में है, अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबसे पहले मैपिंग बना लो, फटाक से मैपिंग बना लो सभी लोग, फिर हम आगे चलें। जल्दी से मैपिंग बनाइए। में यहाँ पर 10 देशों में फैला हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट डिज़र्ट जो कि सबको, पूरी दुनिया को पता है, यह है बेटा सहारा, सहारा डिज़र्ट। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दो भागों में बटा हुआ है, अर्ग और हमादा। हमादा का मतलब होता है स्टोनी डिज़र्ट, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, स्टोनी डेजर्ट। हमादा का मतलब होता है स्टोनी डेजर्ट, अर्क का मतलब होता है सैंडी डेजर्ट, जहाँ पर सैंडी मतलब छोटे छोटे जैसे सैंड्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनके कण पाए जाते हैं, बालू के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं सैंडी डेजर्ट्स। तो सहारा दो भागों में बटा हुआ है, अर्ग और हमादा। हमादा का मतलब होता है बड़े बड़े पोल्डर पेबल्स, यानी कि बड़े बड़े स्टोनी, स्टोन से बना हुआ डिज़र्ट्स होता है हमादा। अर्ग जो होता है स्टोनी डिज़र्ट्स होता है, सॉरी सैंडी डिज़र्ट्स होता है अर्ग। 10 देशों में फैला हुआ ये सहारा डिज़र्ट्स, 10 कंट्रीज में फैला हुआ है, ठीक। नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें कुछ देश दिखेंगे, पहले देशों के नाम जान लो, नाम जानते होगे। साउथ अफ्रीका है यहाँ पर, यहाँ पर बेटा नामीबिया है, यहाँ है अंगोला, और यहाँ पर है बोत्सवाना, ठीक है। साउथ अफ्रीका, यह है बोत्सवाना, अफ्रीका का ये देश है, इसका नाम है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ये है आपका, हाँ बिल्कुल, प्रिटोरिया कैपिटल से कई कैपिटल हैं साउथ अफ्रीका की, समझ रहे हैं। तो इसका नाम है अंगोला, और बेटा इसका नाम है नामीबिया। डेजर्ट्स की अगर मैं बात करूं, डेजर्ट्स की मैं बात करूं, दो वॉचिंग है जिसमें नौ वॉचिंग, मेरी दो जगह क्लास चलने के कारण गड़बड़ हो रहा है। अब ये पता नहीं कैसे दो बार दो जगह पर लाइव स्ट्रीमिंग होने लगती है, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं क्या बता रहा था, सहारा मतलब सहारा तो हो गया, यहाँ तुमने नाम सुना होगा कालाहारी डिज़र्ट। कालाहारी डिज़र्ट इतने राज्यों में फैला हुआ है, मतलब इन देशों में फैला हुआ है,
समझ रहे हो? यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कालाहारी डिजर्ट कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कालाहारी, तो आप बताओगे कहाँ? एक तो साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, ये तीन देशों में कालाहारी डिजर्ट फैला हुआ है। यही एक डेजर्ट्स है जहां पर एक जनजाति निवास करती है, जिसका क्या नाम है जल्दी से बताइए। बुशमैन जनजाति का नाम सुने हो? बुशमैन, ये कालाहारी डिजर्ट में निवास करती है, ना जाने कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है। अच्छा, दूसरा डिजर्ट जो मैं हम लोग बात करेंगे वो है नामिब डिजर्ट। क्या है नाम? नामिब डिजर्ट, जो कि इन इलाकों में है। कौन कौन से नामिब डिजर्ट के क्षेत्र हैं? नामिब, बता सकते हो डायग्राम देखकर, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। आपसे देश पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से हैं। अब थोड़ा सा हम जूम करके चीज़ों को दिखाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए बेटा, ये अंगोला है, बोत्सवाना है, नामीबिया है, और नीचे साउथ अफ्रीका है। ये साउथ अफ्रीका, ठीक है, अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीचों बीच जो डिजर्ट्स फैला हुआ है, जो बीचों बीच डिजर्ट्स फैला हुआ है अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका में, ये हरे रंग का डिजर्ट है नामिब डिजर्ट। ये बात क्लियर? और रेड रंग का जो डिजर्ट है बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और नामीबिया। ये बात समझ में आया? ये नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ये है कालाहारी डिजर्ट। क्या नाम है इसका? कालाहारी डिजर्ट। ठीक है, तो यहां तक डिजर्ट्स क्लियर हुए। ये इंपॉर्टेंट कालाहारी, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका में है। ये बात क्लियर? तो डिजर्ट आपको अफ्रीका में भी पता हो गए, और कहाँ के डिजर्ट्स पता हो गए, एशिया के प्रमुख डिजर्ट्स बात कर दिए। यूरोप में बेटा कोई डिजर्ट्स नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में भी कोई विशेष डिजर्ट नहीं है जिसको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब क्रैश कोर्स चल रहा है, तो इस हिसाब से मैं वही डिजर्ट्स बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा हो। ये नहीं कि सारे डिजर्ट्स मैं बता दूँ, अभी अफ्रीका में ही बहुत सारे डिजर्ट्स हैं। ठीक है बेटा, मसाई भी रितेश कुमार अफ्रीका की है, साउथ अफ्रीका की नहीं है वो। मसाई भी कहाँ की है? अफ्रीका की। वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्र, जो कि यहाँ पर है तंजानिया, केन्या, ये सब क्षेत्रों में पाई जाती है मसाई। ये बात समझ रहे हैं? अभी मैं जनजातियों पर बात करूँगा बेटा। चलिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के डिजर्ट, अब हम सीधे आते हैं साउथ अमेरिका के डिजर्ट, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, और ऑस्ट्रेलिया के डिजर्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्थ अमेरिका के पनामा इस्थमस के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये तुम्हारा साउथ अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की अगर मैं बात करूं, साउथ अमेरिका की बात करूं, तो याद करिए साउथ अमेरिका में कौन कौन से डिजर्ट्स हैं। यह बात समझ में आया? साउथ अमेरिका के कौन कौन से डिजर्ट हैं? पहली बात तो ये याद कर लो, यहां पर एक पर्वत श्रेणी है। कोई बताएगा इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? कोई बताएगा एक पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है बेटा, जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। क्या नाम है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये बात समझ में आए? तो ये जो एंडीज पर्वतमाला है, ये एंडीज पर्वतमाला है, इसमें यहां पर पेरू और चिली की सीमा के बीच, पेरू और चिली की सीमा के बीच यहां पर एक डिजर्ट्स है जिसका नाम है अटाकामा। क्या नाम है?
अटाकामा डिजर्ट, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, ये बात क्लियर। यहां पर चले जाओगे तो यहां पर एक डिजर्ट है जो कि अर्जेंटीना और चिली के बीच में है, यहां पर जिसका नाम है पेटागोनिया डिजर्ट्स, पेटागोनिया डिजर्ट, पेटागोनिया मरुस्थल, ये बात समझ में आया। तो भैया अटाकामा आप देख रहे हो एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में है और एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में पेटागोनिया डिजर्ट्स है। बेटा विश्व का सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट है अटाकामा, ड्राइएस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ड्राइएस्ट डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ये बात समझ में आया। जब एल नीनो आती है इंडिया में, एल नीनो की धारा आती है, समझ रहे हैं, तो अटाकामा डिजर्ट में के अगल बगल गर्म धाराएं हो जाती हैं, अटाकामा डिजर्ट पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है और इंडिया में मानसून लेट होने लगता है, ये बात समझ में आया। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया लेकिन ये इसके पीछे बहुत गंभीर कहानी है बेटा। ड्राइएस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, थोड़ा सा मैं अगर जूम करूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो ये एंडीज पर्वतमाला अटाकामा और ये है आपका पेटागोनिया डिजर्ट, कहाँ पर है, चिली अर्जेंटीना की सीमा पर, और यह अटाकामा डिजर्ट, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम सीधा सीधा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की बात अगर मैं करूं तो ऑस्ट्रेलिया में तीन प्रमुख डेजर्ट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के इन डेजर्ट्स का नाम है सजीव, क्या नाम है, सजीव, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया और स्टोन स्टूअर्ट्स, ऐसे याद रख लो। देखो नाम क्या है, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित डिजर्ट कहां पर है, सजीव का मतलब सैंडी डिजर्ट, यह है गिब्सन, यह है विक्टोरिया डिजर्ट, यह है स्टूअर्ट स्टोनी, स्टोनी डिजर्ट, ये बात समझ में आए। सैंडी डिजर्ट आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इस पार्ट में है, ये बात समझ में आए। यहां से अगर देखोगे तो नॉर्दर्न टेरिटरी वाला हिस्सा है, एक मिनट, नॉर्दर्न टेरिटरी और ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया, यहां पर जाओगे तो क्वींसलैंड वाला भाग और न्यू साउथ वेल्स वाला भाग और विक्टोरिया वाला भाग, ये बात समझ में आए। तो ये जो स्टुअर्ट स्टोनी है आपका सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, सदर्न, सॉरी सदर्न टेरिट, हाँ सदर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच में, न्यू साउथ वेल्स के बीच में, ये न्यू साउथ वेल्स क्या है बेटा, ये यहां का स्टेट है, साउथ ऑस्ट्रेलिया क्या है, यहां का स्टेट है, ये बात समझ में आए। ये सैंडी गिब्सन विक्टोरिया क्या है, ये बेटा डेजर्ट्स हैं, क्या हैं, डेजर्ट्स हैं, याद रखिएगा। अगर हम जूम करें इसको तो अच्छे से क्लियर हो सकता है आपको, ये देखिए बेटा सैंडी गिब्सन विक्टोरिया, आपसे पूछा जाएगा सैंडी गिब्सन विक्टोरिया और पेटागोनिया निम्नलिखित में से कौन सा डेजर्ट साउथ अमेरिका में है, तो आपको बताना पड़ेगा पेटागोनिया डेजर्ट, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में और ये आपका न्यू साउथ वेल्स में स्टुअर्ट स्टोनी डिजर्ट्स हैं, स्टुअर्ट स्टोनी डिजर्ट्स हैं, ये बात क्लियर हुई, बताइए समझ में आया।
तो भैया ये इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, आपको इतना याद करना पड़ेगा और ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। एनडीए कर खास करके आए मैं, क्योंकि ट्वेल्थ पास आउट में ही ये एग्ज़ाम होता है, तो बहुत ही डीपली तो नहीं पूछेंगे। ये बात समझ में आया रितेश जी, गौरव जी? चलिए आगे बढ़ते हैं हम ग्रासलैंड्स की तरफ। देखो बेटा ग्रासलैंड्स, ये तुम्हारा हिस्सा है अर्थ का। यहां पर जाओगे तो ये क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल रीजन। यहां पर जाओगे तो टेम्परेट रीजन, जैसे 23.5 डिग्री 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये 66.5 आर्कटिक सर्किल, और ये 66.5 साउथ अंटार्कटिक सर्किल। ये बात क्लियर? तो बेटा याद रखना, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है ना आपका, ट्रॉपिकल रीजन, यहां के कुछ घास भूमियां पाई जाती हैं, और ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड मतलब टेम्परेट पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? टेम्परेट रीजन। तो ये है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स, और ये है आपका ट्रॉपिकल रीजन। टेम्परेट ग्रासलैंड्स की अगर मैं बात करूं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, आपने बहुत नाम सुना होगा बहुत अच्छे से, जैसे नाम सुना होगा प्रेयरी, नाम सुना होगा स्टेपी, नाम सुना होगा प्रेयरी स्टेपी, और अगला नाम डाउन्स। प्रेयरी स्टेपी ग्रासलैंड, डाउन्स ग्रासलैंड्स, पुस्ताज, पंपास, ये प्रेयरी स्टेपी डाउन्स पुस्ताज पंपास, ठीक है। अगर हम इस ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो बहुत सी घासलैंड हैं, बहुत सी क्या इसमें कुछ ही हैं, जैसे आपने सुना होगा सवाना, ये उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल है। सेल्वॉस बेटा, सवाना, सेल्वॉस, कंपोज, ये प्रमुख घास के मैदान हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में है, ठीक है। वेल्ड की अगर मैं बात करूंगा तो वेल्ड बेटा इसमें आ जाएगा, वेल्ड इसके अंतर्गत आ जाएगा, वेल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा प्रेरी स्टेपी डाउन्स और एक दे देंगे कंपोज, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रासलैंड ट्रॉपिकल है, तो आपको बताना पड़ेगा कंपोज। सवाना कहाँ है? सवाना बता सकते हो? एक तो अफ्रीका में है, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड्स अफ्रीका में, मेनली अफ्रीका में ही मानिए, वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी हैं लेकिन मेनली अफ्रीका। सेल्वॉस, सेल्वॉस ये एक प्रकार से वनस्पतियां हैं, ठीक है। सेल्वॉस चूंकि सवाना, सेल्वॉस, कंपोज, ये सभी घास भी एक प्रकार की वनस्पतियों में ही आता है, इसलिए सवाना कभी कभी सेल्वॉस पूछ लेता है, लेकिन ये बड़ी वनस्पतियां होती हैं। सेल्वॉस ब्राज़ील, कंपोज लानोज एक और है, लानोज मैं यहां लिख दे रहा हूं, लानोज, लानोज वेनेजुएला में है बेटा,
वेनेजुएला। कंपोज ब्राजील। हाँ टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब होता है, टेम्परेट का मतलब होता है बेटा शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण। बात समझ में आई? तुम्हारा जो प्रेरी है, प्रेरी की अगर तुम बात करोगे, प्रेरी घास के मैदान, ये तुम्हारे यूएसए में है। स्टेपी कहाँ है? मध्य एशिया, यानी कि मिड एशिया में है बेटा, ध्यान देना, मिड एशिया। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। पुस्ताज कहाँ है? पुस्ताज यूक्रेन। जो कि मध्य यूरोप है। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना। और तुम जो वेल्ड बता रहे हो वो कहाँ है बताइए? वेल्ड घास के मैदान, बेटा वेल्ड घास के मैदान साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो यहां से आपके प्रश्न बनेंगे, जो कि आप एक बार जूम करके भी देख सकते हैं। देखो ट्रॉपिकल रीजन में क्या आया? सवाना, सेल्वास, कंपोज। कंपोज ब्राजील है, सेल्वास ब्राजील है, सवाना अफ्रीका है, यहीं लानोस देखोगे वेनेजुएला, लानोस वेनेजुएला। ये बात क्लियर? यहां पर आप देखोगे पंपास अर्जेंटीना। देखो पहली बात तो टेम्परेट ग्रासलैंड में कौन कौन से आते हैं? प्रेरी यूएसए में आ जाएगा, यूएसए जानते हो ना, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। स्टेपी मिड एशिया, मध्य एशिया में है। वेल्ड घास के मैदान बेटा साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुस्ताज यूक्रेन, पंपास अर्जेंटीना में है। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आया? बताइए। डिजर्ट्स एंड ग्रासलैंड्स, कौन से देश कहां, मतलब कौन कौन से घास के मैदान कहां पर हैं? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें आज डिजर्ट्स और ग्रासलैंड्स कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। डिजर्ट्स और ग्रासलैंड्स कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक काम करेंगे, जितना आपको ये मैं पीपीटी पे बना के दे रहा हूँ, ठीक है, जितना मैं लिख रहा हूँ सबको, सब चीज़ आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल सकता है। ठीक है, तो मैं सिविल डिफेंस एकेडमी में दे दिया करूँगा, आपको ये मिल जाया करेगा, जितना मैं बना रहा हूँ लिख रहा हूँ आज से, डिजर्ट्स एंड ग्रासलैंड्स। इसके पहले वाला तो मेरे पास अपलोडेड नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला डेजर्ट्स और ग्रासलैंड सबको मैं एक सुरक्षित रखूंगा और पीडीएफ के थ्रू आप लोग को दे दिया करूंगा, ताकि आप लोग को रिवीजन करते समय आसानी से देख लीजिए, हो सकता है बहुत लोग लिख ना पा रहे हो। ठीक है, तो इसको पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को दे दिया करूंगा। ओके, मतलब जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, जो कुछ बना हुआ है, आप पर चला जाएगा, तो आसानी से उसे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, एक बार समझ सकते हो। ठीक है, और मैं समझाया रहूंगा, अभी मैं दूसरा नोट्स दे दूंगा, तो जरूरी नहीं है आप पढ़ो, लेकिन जो मैं समझाया हूं वो जरूर आप पढ़ोगे। हाँ पीडीएफ सही रहेगा, यही चीज पीडीएफ है, जो मैं नोट किया हूं यही चीज पीडीएफ के फॉर्म में चली जाएगी, एग्जैक्टली यही चीज जाएगी, कुछ और नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी क्रैश कोर्स की क्लासें होंगी आपको मिल जाएंगी, जो भी कुछ मैं पढ़ाया रहूंगा, चाहे वो साइंस से रिलेटेड होगा, चाहे आपका साइंस से, मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा, लेकिन बेटा वो आज से ही संभव हो पाएगा। मैंने पिछले जो अभी कल क्लासें ली हैं एटमॉस्फेयर की, वो मैंने नोट नहीं की है, तो सीधे मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैंने पीपीटी सेव नहीं की है, तो वो शायद आपको ना मिल पाए, यहाँ से मिलेंगी। ठीक है ना, क्योंकि बाद में मुझे लगा आप लोग को जरूरत तो है ही है। ओके
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो डिज़र्ट्स और ग्रासलैंड्स आपकी कंप्लीट हो गई। फिर अगली क्लास में हम लोग अपना जो भी पार्ट्स पढ़ना है, ओशनिक करंट्स हैं, ठीक है, इस्थमस हुआ, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।